शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इंडियन सुगर मिल्स एसोसिएशन यानी कि इस्मा ने खाद्य सचिव से मिलों को अतिरिक्त 10 लाख टन चीनी के निर्यात करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस सीजन में निर्यात ही कच्ची चीनी के लिए एकमात्र बेहतर विकल्प बचा है। इस्मा के अध्यक्ष ने खाद्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि आप जानते होंगे कि निर्यात के लिए कच्ची चीनी के उत्पादन की योजना निर्यात अनुबंधों के आधार पर एडवांस में ही कर ली जाती है। तय अनुबंध के अनुसार चीनी के निर्यात के लिए आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में मिलों के पास कच्ची चीनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि जिन मिलों ने पहले ही कच्ची चीनी का उत्पादन कर लिया है, उनके पास निर्यात के अलावा कोई और विकल्प नहीं पड़ा बचा है। वो कच्ची चीनी को सफ़ेद में नहीं बदल सकते हैं क्योंकि पेराई का सीज़न ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब इसे बाज़ार में भी नहीं बेचा जा सकता है। इस स्थिति में कच्ची चीनी के लिए निर्यात ही एकमात्र विकल्प बचा है। हाल ही में इस्मा ने अपनी समिति की बैठक में 350 लाख टन से 360 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान जताया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में गन्ने की अधिक उपलब्धता के कारण चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है। साथ ही इस्मा के अध्यक्ष ने कहा कि बढ़े हुए अनुमानित चीनी उत्पादन को देखते हुए इस सीजन में और 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी जाए। वहीं इस्मा ने कहा कि मई के अंत तक लगभग 86 लाख टन के रिकॉर्ड निर्यात के बावजूद देश में चीनी की कीमतों में अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं चीनी का रेट 33 से 34 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास है, जो अभी भी लागत से कम है। वहीं 10 लाख टन और चीनी के निर्यात से घरेलू चीनी की स्थिति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले अगले सीजन में कम 2.5 महीने के लिए देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की उपलब्धता रहेगी। वहीं चालू वित्त वर्ष के लिए करीब 90 लाख टन के निर्यात के लिए अनुबंध हो चुके हैं। वहीं चीनी मिलों से करीब 86 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका है, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं साल 2020-21 में चीनी का निर्यात 70 लाख टन और 2019-20 में 59.6 लाख टन रहा था। इस वित्त वर्ष में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। पिछले सीज़न में ये 506 मिलों में गन्ने की पेराई हुई थी। इस सीज़न में 2021-22 में कुल 522 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।